गाइस, कुछ टाइम से हमारी धरती का मौसम बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है। कभी गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो कभी ठंड। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल मैं कुछ टाइम के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, इसलिए जल्दी से अपना गैराज खोलते हैं। अरे बाप रे, ये कौन है? अरे हम बर्बाद हो गए। हाँ, मेरे भाई हम बर्बाद हो गए। ओ माय गॉड, अरे तुम लोग कौन है? तो हमें भूल गया फ्रैंकलिन, मैं हूँ सन गॉड। और मैं हूँ मून गॉड। क्या गाइस, सन गॉड एंड मून गॉड इतने छोटे कब से हो गए? तुम लोग तो बहुत बड़े हुआ करते थे। हमारे साथ धोखा हुआ। बिल्कुल, हम दोनों साथ में इस दुनिया को बनाया करते थे। अब तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचे। तभी हमारी धरती में ऐसी परेशानी हुई है। लेकिन हुआ क्या? हम तुझे डिटेल में बताते हैं। एक समय था जब सन गॉड एंड मून गॉड साथ में मिलकर पूरी धरती के टेम्परेचर को मेंटेन रखते थे। कभी गर्मी तो कभी सर्दी एकदम ठीक रहा करती थी। लेकिन एक साथ से मौसम बदलने लग गया, क्योंकि ऑल फादर गॉड ने लावा गॉड एंड आइस गॉड को अपनी दुनिया से बाहर निकाल दिया। इस बात का अंदाजा हमें बिल्कुल भी नहीं था। हमें लगा था मौसम फालतू में ही चेंज हो रहा है। इतने ही लावा गॉड आ गया। एक मिनट, ये लावा गॉड है पर ये तो बहुत छोटा है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ऑल फादर गॉड ने लावा गॉड की सारी शक्तियों को छीन लिया था। लावा गॉड को इस बात से बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। उसने ठान लिया कि अब वो मून गॉड और सन गॉड की पावर छीन के दुनिया का सबसे खतरनाक लावा गॉड बनेगा और वो गॉड फादर और ऑल फादर गॉड को चुनौती देगा। बिल्कुल फ्रैंकलिन, हमने भी उसको अंडर एस्टिमेट किया। हमने सोचा वो तो बहुत छोटा है, हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। वो तो ठीक से चढ़ भी नहीं पा रहा था। हाँ वैसे छोटा सा तो है और आप इतने बड़े थे, फिर क्या हुआ? उसने ऐसी खतरनाक अटैक करने स्टार्ट किए हम पर कि हमारी दोनों की बॉडीज को अलग करने लग गया। क्या, सन गॉड एंड मून गॉड की बॉडीज को अलग करने लग गया? ओह माय गॉड गाइस, ओ नो। इसी तरह से मेरी बॉडी का एक हिस्सा जमीन में चला गया और उस लावा गॉड ने उस हिस्से को एब्जॉर्ब कर लिया। इसी वजह से वो बड़ा होना स्टार्ट हो गया। अरे बाप रे दोस्तों, देखिए लावा गॉड को, ये तो वापस से बड़ा होने लग गया है। फिर आप लोगों ने इसको रोकने की कोशिश नहीं की? हमने कोशिश की थी लेकिन जब तक देर हो चुकी थी फ्रैंकलिन बच्चे, और उसको सबर नहीं आया और उसने फिर से हमारी टांगों पर अटैक करना स्टार्ट किया, जिससे कि हम गिर पाए। क्या, लिटरली में एक छोटा सा लावा गॉड? ओह माय गॉड गाइस, देखिए यहां पर उसने मुझे पकड़ा और बहुत बुरी तरह से पटक दिया, और अपना साइज बढ़ाने के लिए उसने मेरी और पावर छीन ली, जिसको कहते हैं साइज ग्रोइंग पावर। अरे बाप रे गाइस, लावा गॉड ने सन गॉड एंड मून गॉड की पावर्स को चुराने के लिए कितनी बुरी तरह से इन दोनों को गिरा डाला, और उसने हमको छोटा कर दिया बिल्कुल अपने साइज इतना। लेकिन इतना ही नहीं, वो बड़ा होता चला गया। गाइस देखिए यहाँ पर लावा गॉड कितनी तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। बिल्कुल बच्चे फ्रैंकलिन, उसके बाद मुसीबत खत्म नहीं होती है। क्या, कहने का क्या मतलब है? जब लावा गॉड का काम पूरा हो चुका था तो वो चला गया। उसके बाद वो साथ साथ में अपने आप को फाइव हेडेड भी करने की कोशिश कर रहा था। क्या, लिटरली में? गाइस देखिए यहाँ पर लावा गॉड अपने आप को फाइव हेडेड बना रहा है, क्योंकि उसने सन गॉड एंड मून गॉड की पावर्स को जो चुराया था। बिल्कुल सही कहा, जैसे ही लावा गॉड का काम पूरा हुआ मेरे बच्चे फ्रैंकलिन, उसके बाद आइस गॉड आ धमका। आइस गॉड भी? एक मिनट, आइस गॉड इतना सा क्यों है? क्योंकि आइस गॉड को भी ऑल फादर गॉड ने पीट कर भगाया और उसकी पावर छीन ली। उसने अपने भाई को देखते हुए हमें और पूरी तरह से पीटा और हमें इतना सा कर दिया। हाँ फ्रैंकलिन, और वो खुद बड़ा होना स्टार्ट हो गया। ओ माय गॉड गाइस, देखिए यहाँ पर आइस गॉड कितनी तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। ओ नो 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 नो, इतना ही नहीं फ्रैंकलिन, उसने हमें टॉर्चर भी किया, बुरी तरह से पीटा और हमारे ही सामने अपने साइज को धरती से भी बड़ा करता चला गया। गाइस यहाँ पर आइस गॉड को देखिए, अपने भाई की तरह ये भी यहाँ पर फाइव हेडेड बनने जा रहा है। ओ माय गॉड गाइस, लावा गॉड एंड आइस गॉड ये बहुत ही खतरनाक गॉड्स हैं, सबसे इविल गॉड है, और यहाँ पर सन गॉड एंड मून गॉड के साथ बहुत ही गलत किया इन लोगों ने। बच्चे फ्रैंकलिन, वो जैसे ही फाइव हेडेड बन गया, उसके बाद दुनिया में आतंक आ रहे हैं। जल्द से जल्द तुझे धरती का संतुलन सुधारने के लिए इस टास्क पेपर को पढ़नी होगी। गाइस टास्क पेपर में ऐसा क्या है? अगर टास्क कंप्लीट करेगा मेरे बच्चे तो हम तुझे स्पेशल गिफ्ट देंगे। टास्क है स्टील सन एंड मून गॉड साइज ग्रोइंग पावर फ्रॉम लावा गॉड। व्हाट? एंड लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट गाइस प्लीज। जल्दी से हमारे प्यारे सन गॉड एंड मून गॉड के लिए वीडियो को लाइक कर दो और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी। और गाइस ये देखिए फाइव हेडेड लावा गॉड। ओह माय गॉड गाइस, मुझे तो डर लग रहा है इसको देखकर। पहले हम यहां पर चेक करेंगे कि असल में साइज ग्रोइंग पावर्स है कहां पर। एक बार मैंने साइज
गाइस ग्रोइंग पावर छीलनी तो गाइस लावा गॉड ऑटोमेटिकली पहले की तरह छोटा हो जाएगा। उसके बाद ना तो ये ऑल फादर गॉड के साथ बगावत कर पाएगा, ना ही हमारे सन गॉड या फिर मून गॉड को टक्कर दे पाएगा। गाइस देखिए यहाँ पर सन गॉड एंड मून गॉड की पावर्स यहाँ छुपी हुई है। अगर मैंने ये पावर छुपा ली या फिर चुरा ली दोस्तों तो यहाँ पर लावा गॉड का खेल खत्म और हमारा सन गॉड एंड मून गॉड बच जाएगा, हमारी धरती भी बच जाएगी। लेकिन गाइस उसके लिए आप सभी को प्रॉमिस करना होगा, प्रॉमिस इस चीज का कि आप सभी कमेंट में 80 गेमर ओपी लिखेंगे। प्लीज इतने मैं ऊपर चल रहा हूं, जल्दी से आप कमेंट में जाकर 80 गेमर ओपी लिख दीजिए अपने भाई फ्रैंकलिन के लिए। देखिए मैं इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूं अपने सन गॉड एंड मून गॉड को बचाने के लिए, आप भी हमारी धरती के सन गॉड एंड मून गॉड को बचाने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं पूरी स्पीड में जा रहा हूं। ये कौन है, चला जा यहां से इंसान। अरे नहीं लावा गॉड तू मुझे नहीं रोक सकता, मैं ऊपर जाकर रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अरे बाप रे गाइस हम फाइनली ऊपर तक पहुंच चुके हैं, अब मुझे जल्दी से इसके मुंह। अरे ये क्या, मैं तेरे को मार दूंगा मेरे बॉस की बॉडी पे से हट मूर्ख। अरे ये तो लावा सोनिक जिला निकला। छोड़ दे मेरे को, छोड़ दिया जा मर, मुझे मरना नहीं है। अरे बाप रे इसने तो गाइस मुझे कितनी नीचे फेंक दिया। बचाओ, हेल्प मी सन गॉड मून गॉड हेल्प मी। गाइस कमेंट में जल्दी से हेल्प मी सन गॉड एंड मून गॉड लिखिए, हेल्प मी सन गॉड मून गॉड, मैं मर जाऊंगा मुझे हील कीजिए। फ्रैंकलिन हमने तेरी बात सुन ली। ठीक है बच्चे ये ले, हम तुझे यहाँ पर कुछ टाइम के लिए सुपर पावर्स दे रहे हैं। क्यों मुझे सुपर पावर मिलने वाली है, लेकिन लिमिटेड होंगी, हम दोनों के पास ज्यादा पावर्स नहीं है। ओके आप चिंता मत कीजिए, इन सुपर पावर्स का इस्तेमाल करके मैं यहाँ इस लावा गॉड को बर्फ में जमा दूंगा। क्या बोल रहा है तू, मुझे बर्फ में जमाएगा मूर्ख, ये क्या नहीं मेरे को बर्फ में जमाता है। गाइस हमने यहाँ पर लावा गॉड के पैरों पे लिटरली बर्फ जमा दिए, अब मैं जल्द से जल्द इसके मुंह के अंदर जाऊंगा। नहीं ये क्या कर रहा है ना, ये ले मैं, कमॉन 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 मैं इसके अंदर जा। फाइनली गाइस नहीं 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 मुझे गिरना नहीं है, कमॉन कमॉन फ्रैंकलिन तू कर सकता है। मरेगा तू इंसान, नहीं नहीं। फाइनली गाइस यहाँ पर हमने अपने गैजेट एक्टिवेट कर लिए वरना मैं गिर जाता। मैं जल्दी बर्फ से दूर हट जाऊंगा फिर तुझे छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला लावा गॉड, मैं यहाँ पर तेरी बॉडी के अंदर जा रहा हूँ, तू मुझे रोक नहीं सकता। ये रे गाइस इसने ऑल फादर गॉड को धोखा दिया, गॉड फादर टाइटन को धोखा दिया, साथ साथ में गाइस हमारे सन गॉड एंड मून गॉड की पावर्स भी चुरा ली। ऑलराइट गाइस अब इन पावर्स को जैसे ही मैं अटैच करूंगा। नहीं मेरी जिंदगी मुझसे दूर लेकर मत जा, क्या हो रहा है। गाइस देखिए ये कैसे छोटा हो रहा है, जैसे मैंने पावर छीन ली। नहीं 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 मैं छोटा हो रहा हूँ, मैं बर्बाद हो गया। अरे ये क्या हो गया मेरे साथ। गाइस यहाँ पर लावा गॉड लिटरली में रो रहा है, बहुत ही अच्छा हुआ उसके साथ। आजा बच्चे फ्रैंकलिन, आजा बेटा फ्रैंकलिन, तूने बहुत ही अच्छा काम किया। ऑलराइट गाइस हम मून गॉड एंड सन गॉड को वापस से उनके साइज में ग्रो कर रहे हैं। देखिए हमारे मून गॉड और सन गॉड कितनी तेजी से ऊपर जा रहे हैं। इस बात पर सन गॉड ओपी एंड मून गॉड ओपी लिखना मत भूलना प्लीज गाइस, लिख दीजिए। बिल्कुल मेरे बच्चों लिख दो, बिल्कुल मेरे बच्चों लिख दो। फ्रैंकलिन हम तुझे गिफ्ट देते हैं। ये क्या है, ये सन गॉड एंड मून गॉड की पावर से बना हुआ दुनिया का सबसे ही ज्यादा ताकतवर हल्क फ्रैंकलिन का सूट। गाइस इसके अंदर सन की और मून दोनों की पावर्स है, लेट्स वेयर इट। अरे वाह मैंने इसको पहन लिया, बाकी टास्क देखते हैं। स्टील सन एंड मून गॉड फ्यूजन पावर्स फ्रॉम आइस गॉड। ऑलराइट गाइस बाकी आप प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ साथ में कमेंट में 80 गेमर नहीं लिखा हो तो जरूर लिखना मतलब फ्रैंकलिन के लिए। चलो गाइस अब जल्दी चलते हैं क्योंकि हमें आइस गॉड से फ्यूजन पावर को चुराना होगा, जिसके इस्तेमाल से हमारे आइस गॉड यहां पर फिर से छोटे हो जाएंगे और हमारा जो सन गॉड एंड मून गॉड है वो एक हो जाएंगे और हमारी धरती का बैलेंस ठीक हो जाएगा। गाइस ये आइस गॉड के भी मुंह 5 हैं अपने भाई की तरह, पहले इसके यही वाले मुंह में चेक करता हूं। मुझे इसके भाई में इसी मुंह में मिली थी पावर्स, नहीं इसने कहीं और छुपा रखी है इसके हेड पर। अरे मिल गई गाइस देखिए, ये है बहुत ही खतरनाक फ्यूजन पावर्स, इसका इस्तेमाल करके हमारा सन गॉड एंड मून गॉड एक हो जाएगा और वो धरती को अच्छी तरह से चलाएंगे और हमारी धरती में खुशहाली ही खुशहाली होगी। कौन है यहाँ पर, कौन खुशहाली की बातें कर रहा है। मैं बातें कर रहा हूँ आइस गॉड और मैं यहाँ पर अपने सूरज और चांद का हक वापस लेने आया हूँ। तू हमें चुनौती देगा इंसान,
हम तुझे बर्बाद कर देंगे। अब तो गॉड फादर टाइटन ऑल फादर गॉड भी हमसे डरते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुझे हरा के रहूंगा। अरे बाप रे, इसने तो मुझे हेल्प मी सन सन एंड मून गॉड प्लीज, मुझे मुझे बचाइए, मैं जम गया हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता। ठीक है बच्चे। बिल्कुल बच्चे, हम तुझे यहाँ पर ठीक करते हैं, रुक जा। ओके गाइस, यहाँ पर हमारे सन गॉड एंड मून गॉड अपनी लेजर के इफेक्ट से मुझे पूरी तरह से हील करने की कोशिश है। कम ऑन। बच्चे बस रुक जा, तू ठीक हो गया। गाइस हम यहाँ पर बेटर हो चुके हैं। चलो गाइस अब जल्दी से ऊपर जाते हैं और आइस गॉड को हम छोटा सा कर देंगे, अपने से भी छोटा, और यहाँ पर हमें स्पेशल गिफ्ट मिलेगा इस काम को करने पर। गाइस एक मिनट, वो रही वो खतरनाक फ्यूजन। ओह नो, ये तो किसी जाल में बंद है। गाइस इस जाल को मैं तोड़ दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ऑलराइट गाइस, हम साथ में कमेंट में लिखेंगे फ्रैंकलिन ओपी। कम ऑन गाइस, लेट्स गो फॉर 1000 कमेंट्स। जल्दी से फ्रैंकलिन ओपी लिखो, मुझे इस जाल को तोड़ना है। अरे जाल टूट जा मेरे बच्चे, ये जाल ऐसे नहीं टूटेगा। तो कैसे टूटेगा? तुझे पहले आइस गॉड के सारे हेड को डिस्ट्रॉय करनी होगी। समझ गया मैं सन गॉड, ये लीजिए, मैं अभी यहां पे इसको डिस्ट्रॉय करता हूं। ये ले। अरे नहीं, ये क्या कर दिया तूने इंसान, तू मरेगा। गाइस हमने आइस गॉड के 4 हेड जमीन में घुसा दिए, अभी इसका एक रियल वाला हेड बचा है एंड यहीं पर फ्यूजन पावर है। ये रही गाइस फ्यूजन पावर, मैंने देख ली। नहीं, मैं तुझे देख लूंगा, ये क्या हो रहा है, मर गया रे। अब मेरे को ऑल फादर गॉड जिंदगी भर बंधक बना के रखेंगे। गाइस यहाँ पर हमारा आइस गॉड भी छोटा सा हो चुका है, इसके साथ यही होना था। अभी गाइस चलो जल्दी से इन्फ्यूजिंग पावर्स को लेकर चलते हैं अपने खतरनाक सन गॉड एंड मून गॉड के पास। लेट्स गो, जल्दी आ जा मेरे बच्चे। वाह मेरे बच्चे, तू आ गया। बिल्कुल सर, ये लीजिए आपकी खतरनाक फ्यूजिंग पावर, जिसका इस्तेमाल करके आप दुनिया। एक मिनट, ये कहां गई पावर? अरे बाप रे, लुक एट देम गाइस, ये कितनी तेजी से ग्रो अप कर रहे हैं। बच्चे इतना ही नहीं, हम अब एक दूसरे में मिल चुके हैं। हां गाइस, ये हिलना बंद हो गए, मतलब ये फिर से फिक्स हो गए। इतना ही नहीं बच्चे, अब हमारे हेड बनना स्टार्ट हो जाएंगे, हम दुनिया में बैलेंस ले आएंगे, दुनिया में तरक्की होगी, खुशियां होंगी, खुशहाली होगी मेरे बच्चे। गाइस यहां पर देखिए फ्यूजिंग पावर की मदद से अपने आप को कैसे फ्यूज कर रहे हैं। गाइस आइस गॉड एंड मून गॉड लिटरली में ओपी गॉड है, एंड यहां पर देखिए ये अपने बॉडी पार्ट्स को कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बच्चे हम तेरे बहुत बड़े आभारी हैं, तेरी वजह से ही हम इतनी तगड़ी तरीके से अपने आप को दुनिया का सबसे खतरनाक गॉड बना पाए हैं मेरे बच्चे। अब तेरे गिफ्ट का समय आ गया है। क्या होगा मेरा? ओके गाइस, मेरा गिफ्ट देखिए, ये तो एक जायंट 3 हेडेड लावा एंड आइस। नहीं बच्चे, ये सन एंड मून की पावर से बना है। हाँ सॉरी, और गाइस यहाँ पर बहुत ही खतरनाक सोना भी आ गया मेरे पास। चलो इस सूट को पहनते हैं। गाइस ये सूट लिटरली में बहुत औसम है। अगर आपको इस तरह की वीडियो और देखने हैं तो प्लीज कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखिए। बाकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।